बहुत स्वागत है टेक पिला में। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट इंग्लिश यंग। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप 5G फोन्स विच आर कमिंग इन इंडिया, जो कि 2019 में ऐसे 5 5G फोन या 9 5G फोन के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। मतलब 5 और 9 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे फोन्स आ रहे हैं इस समय जो 5G के वेरिएंट में आ रहे हैं, जो कि 5G को सपोर्ट कर रहे हैं। तो भाई 4G चलाते चलाते अगर आप भी हो गए हैं बोर, तो अब मौका है आपके लिए 5G यूज करने का। जी हाँ दोस्तों, 5G के आप लोग सोच रहे होंगे कि 5G की स्पीड कितनी मिलेगी, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, कम से कम 10 GB पर सेकंड की आपकी जो स्पीड जो है 5G आपको देगा, फोन देंगे। और वो कौन कौन से 5G फोन है, मैं इसके बारे में आपको बताने वाला हूं। तो शुरू से लेकर आखिरी तक इस वीडियो को देखते रहिए। इस लिस्ट में सबसे नंबर 1 में है हुवाई का मेट एक्स, जो कि सबसे पहला जो है फोल्डेबल फोन आया है, जो कि वर्ल्ड का सबसे पहला फोल्डेबल फोन जो बना है वो हुवाई का मेट एक्स है, जो कि आपको मैं बताना चाहूंगा। और जिसका जो साथ ही साथ में ये 5G भी है, और इसकी अगर रैम की बात करें तो वैसे तो ये OLED डिस्प्ले है, और रैम की बात करें तो यहाँ पे आपको 8GB रैम मिलती है, और साथ ही साथ में 512 का जो है आपको स्टोरेज देती है। दोस्तों हम बात करते हैं, सेकंड नंबर में आता है सैमसंग का गैलेक्सी फोल्ड, जो कि आपने अभी सुना ही होगा, सैमसंग ने गैलेक्सी फोल्ड नाम से जो है सेट निकाला है। और गैलेक्सी फोल्ड की बात करें तो इसमें भी जो है आपको 4G के बाद 5G आपको सपोर्ट करता है, और 5G के वेरिएंट में भी आपको यहाँ पे भी आपको 512 GB तक का इंटरनल आपको दे रहा है। और बैटरी की बात करें तो यहाँ पे आपकी 4380 mAh की जो कैपेसिटी यहाँ पे बताई जा रही है बैटरी में। इसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर में हम आता है OnePlus 7 Pro, और OnePlus का आपने सुना ही होगा 7 Pro भी है, वो भी 5G का वेरिएंट इन्होंने लॉन्च किया हुआ है। और ये जो 5G का फोन है वो कि आपको MWC मतलब मोबाइल वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस 2019 के अंदर में लॉन्च किया गया है। इसके अंदर में क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा कि 48 मेगापिक्सल का इसमें कैमरा दिया जा रहा है, और इसके अलावा 8 मेगापिक्सल का जो है इसमें फ्रंट कैमरा दिया जा रहा है, जिसमें 16 मेगापिक्सल का यहाँ पे जो है अलग से एक और जो है कि सेंसर लगा होगा। और बैटरी की बात करें दोस्तों, इसमें आपका 4000 mAh की बैटरी को ये सपोर्ट करेगा। अब दोस्तों इसके बाद में जो है हम फोर्थ नंबर की बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी S10 जो की है, और जो लगभग देखने में आपका S10 की तरह ही है, S10 Plus की तरह ही है, और ये वेरिएंट जो है आपका गैलेक्सी S10 आपने देखा होगा उसके तरह ही ये वेरिएंट उसकी की तरह ये सेम आपका वो दिखता है। और साथ ही साथ में इसके बाद में बात करें इसकी भी अगर बैटरी सपोर्ट की बात करें तो 4500 mAh की बैटरी ये देगा, और जो कि काफ़ी जो है ज़्यादा बैटरी सपोर्ट दे रहा है। साथ ही साथ में रैम की बात करें तो 8GB रैम और 256GB जो है इंटरनल देने की बात यहाँ पे कही गई है। और रेट की बात करें तो किसी के रेट जो हैं आपको मार्केट में, क्योंकि नए लॉन्च हुए हैं तो उनके अभी प्राइस क्लियर नहीं हुए हैं क्योंकि वो मार्केट में उतारे नहीं गए हैं। तो ये थे हमारे चौथे नंबर में। अब हम बात करते हैं दोस्तों पांचवें नंबर में, Xiaomi Mi का Mix 3 जो है सेट है, वो भी आपका 5G को सपोर्ट करता है। और 5G को सपोर्ट करने के अलावा यहाँ पे जो है लॉन्च किया गया है डिवाइस, ये भी 2019 वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में, और इसकी बात करें इसकी भी जो है 6.39 का जो है इसमें FHD+ स्क्रीन है, और जो कि आपका स्नैपड्रैगन 855 इसमें जो है दिया गया है। और इसके बाद में प्रोसेसर की बात कर रहे थे, और इसके बाद में जो है 3800 mAh की बैटरी जो है इसमें दी जा रही है, जो कि लगभग दूसरे वेरिएंट से कम है, लेकिन फिर भी अपने आप में जो है बढ़िया है। इसके बाद में हम दोस्तों छठवें नंबर पर बात करें तो LG का V50 है थिंक, जो आपने सुना होगा LG का V50 थिंक, और ये भी जो है 5G को सपोर्ट कर रहा है। साथ ही साथ में जो है इसको जो है स्टार्टिंग में जो है US में लॉन्च किया गया है, और अब जो है इंडिया में भी आने की इसमें इसी बात चल रही है। 6.4 इंच का इसका जो है वो LED डिस्प्ले है, और बात करें अगर एंड्रॉयड 9.0 पाई का जो है ये कोई सपोर्ट करता है, तो इसकी भी 4000 mAh की बैटरी आपको जो है दी जा रही है, और स्नैपड्रैगन 855 ये भी जो है इसको जो है इसके साथ में प्रोसेसर आपको मिल रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों सातवें नंबर पे आ रहा है वीवो एपेक्स, जो कि 2019 में जो है आने वाला है, और इसकी भी जो है लॉन्च कर दी गई है, लेकिन इसकी 2018 में जो है वीवो एपेक्स आपने सुना होगा लॉन्च किया गया था, लेकिन इसका जो है अब जो वेरिएंट कब आने वाला है मार्केट में ये अब आने वाले टाइम पे पता चलेगा। इसके बाद दोस्तों बात करें एट नंबर में ओप्पो 5G फोन, ये भी जो है नए वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में इन्होंने लॉन्च कर दिया है,
और जल्द से जल्द आपको ये फोन मार्केट में देखने को मिलेगा। इसके बाद 9वें नंबर में बात करें सोनी एक्सपीरिया, जो कि ये भी अपना 5G वाला वेरिएंट मार्केट में बहुत जल्द लाने वाले हैं, और इन्होंने भी जो है 5G सपोर्ट करेगा ये फोन, और इसको जो है इन्होंने भी मोबाइल वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में लॉन्च कर दिया है, और इसका भी जो प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 855 जो होगा मोबाइल को सपोर्ट करेगा। तो दोस्तों इसी तरह से आपको जो लगभग लगभग 9 फोन जो है अभी जिनका अनाउंसमेंट हो चुका है, और भी आने वाले समय में अच्छे अच्छे फोन आपके मार्केट में आने वाले हैं जो कि 5G को सपोर्ट करेंगे। लेकिन दोस्तों अभी 4G जो हम चला रहे हैं वो भी आपका 3G या 2G जैसा वर्क कर रहा है, तो आई होप के 5G कम से कम 5G जैसा वर्क करे। तो इसी तरह से और अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल में बने रहिए, बने रहिए टेक बेला में, स्टे रॉक।